हल्द्वानी के निकट रुद्रपुर रामपुरा से लापता ऑटो चालक सुमित उम्र 24 साल का शव पुलिस ने प्रीत विहार क्षेत्र में नदी किनारे स्थित गड्ढे से बरामद किया है। रामपुरा में रहकर टेम्पो चलाने वाला सुमित 14 नवंबर की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मृतक की पत्नी ने अगले दिन रामपुरा चौकी पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दी थी। शुक्रवार की सुबह सुमित का शव प्रीत विहार क्षेत्र के कल्याणी नदी के किनारे एक गड्ढे से बरामद हुआ है। परिजनों ने गणेश पर सुमित की हत्या की आशंका जताई थी। गणेश की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। शव को एक गड्ढे में दफनाकर शिनाख्त मिटाने के लिए उसके ऊपर नमक डालकर मिट्टी डाल दी गई थी। पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई है। मृतक ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। उसका एक 5 साल का बेटा सन्नी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है।